हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं हर स्टेप में आपके साथ हूं और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आपको टिक करवा दूं। तो आप लोगों ने काफ़ी रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने बोला हाँ सर हमें उसमें भी टिक करवा दीजिए, कौन से क्वेश्चन इस लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर को कवर करने वाले हैं। रियल नंबर में मैं आपको एक एक चीज टिक करवा देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन करने, कौन सा ऑब्जेक्टिव उसके करने, कौन सा आपको स्किप कर देने, मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली क्या है हमारे सिलेबस में, क्या नहीं है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है लेटेस्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा, ठीक है? साथ के साथ मैं अगर आपको बता दूं ऐसी ओरली, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कोर्स में नहीं है, और थर्ड एक्सरसाइज जिसमें हमें प्रूव करना होता है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं करने, बाकी बेसिक आइडिया तो आपको होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, ठीक है? तो टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप बुक खरीद सकते हैं, आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं उससे, ठीक है? चलिए देखो, ये अगर आप, अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, एक मिनट, ठीक, तो ये आप से अगर हम बात करें रियल नंबर की, रियल नंबर चैप्टर की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। थ्योरी टाइप की इसमें दे रखी है, स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूलेस इसमें दे रखे हैं कौन कौन से। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें लिखा है सैंपल क्वेश्चन वन, सैंपल क्वेश्चन टू। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको करना है, टिक कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन पर टिक कर लो कि करना है। सेकेंड है यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप छोड़ दीजिए, क्रॉस कर लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं करना है, फर्स्ट करना है, सेकेंड नहीं करना है। आगे देखते हैं, आगे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है फॉर सम इंटीजर एम इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। अब ये जो इज द फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं, पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे यूक्लिड डिवीजन लेमा के हैं, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, फर्स्ट नहीं करना है, आप साइड में क्रॉस मारना है, तो चले बुक खराब कर दी, ठीक है? और ये भी तुम्हारा इंटीजर फॉर्म वाला क्वेश्चन है, क्रॉस कर लें। आई होप सब लोग बुक निकाल के नोट कर रहे होंगे कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ठीक है? फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, ये भी तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, क्रॉस कर लीजिए। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जो है, जिन्होंने अगर रेफरेंस बुक यूज की हो, उन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हो, तो वैसे इस क्वेश्चन को अगर एक्सप्रेस करना है एससीएफ ऑफ दिस, तो यूक्लिड मेथड से एससीएफ निकलता है, लेकिन आप इन दो नंबर का एससीएफ वैसे भी निकाल सकते हो विदाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उसको सीधा इसके इक्वल करके एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसलिए आप इसको कर लेना है, फोर्थ को हमें कर लेना है, फिफ्थ को हमें करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? बिल्कुल आप नोट कर लें इस क्वेश्चन को, फिफ्थ क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके केस स्टडी में भी सीबीएसई के उसमें दे रखा है क्वेश्चन बैंक में, तो आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल करने आने चाहिए। सिमिलर सेवन क्वेश्चन आना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रैशनल इरेशनल नंबर का, तो ठीक है इरेशनल नंबर आपको प्रूफ नहीं करना है, लेकिन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो एट्थ भी आपको कर लेना है, ठीक है? नाइन्थ भी आपको करना है, एलसीएम बेस्ड है, डेसिमल एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन भी करना है, तो यानी टेंथ भी करना है, क्लियर? ओके, आगे आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चंस है, ये आपको नहीं करना है, यूक्लिड डिवीजन बेस्ड है, नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सिक्स की पावर एन, इस टाइप का एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज में दे रखा है, ये हमें करना है। फिर आती है एक्सरसाइज 1.2, ठीक है? तो इसमें आप देखो स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सब क्या है, इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, एक भी नहीं करने, क्योंकि ये सब यूक्लिड वाले क्वेश्चन हैं, फोर्थ भी हटा दो, फिफ्थ भी हटा दो, ये सब कौन से क्वेश्चन हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये सब आप क्रॉस कर दीजिए, ठीक है? ये सब आप क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स कर लेना यार, ठीक है? सेवन जरूर कर लें, एट कर लें, ठीक है? नाइन जरूर करें, टेन जरूर करें, टिक कर लीजिए। सिक्स करना है, सेवन करना है, एट करना है, नाइन करना है, टेन करना है। कुछ कुछ लोग बोलेंगे सर के एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना जरूरी है, यार कर लो यार, वैसे ही बहुत सी एक्सरसाइज डिलीट भी हुई है, ठीक है? अब आपको कुछ नए डायरेक्शन से पढ़ाई करनी है, तो जिस डायरेक्शन में मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें करनी है, फालतू चीज़ें नहीं करनी है। मैंने जो जो बोला वो करते जाओ, आपकी 101% आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है?
टेन क्वेश्चंस टेंथ वाला करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए। बोला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। यार देखो, हालांकि इसमें पूछा जा रहा है कि यूक्लिड मेथड से फाइंड आउट करो, तो ठीक है यूक्लिड मेथड से आप नहीं करना है, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना, लेकिन यूक्लिड मेथड से मत करना, वैसे ही आप एचसीएफ निकाल के देख लेना। जिनका एचसीएफ 1 होगा वो को प्राइम हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? तो देख लेना यार करके, तो करके देख लेना बस, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूक्लिड मेथड है। अब रूट टू प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करना है, तो ये वाले क्वेश्चन हट गए हैं, तो आपको नहीं करना है। थर्ड आपको क्वेश्चन नहीं करना है, एक ठीक है? तो ये क्वेश्चन थर्ड था ना, एक मिनट, हाँ ये थर्ड छोड़ दो। अब इसके बाद आ जाती है हमारी सेक्शन एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज 1.3 आ गई। अब इसमें देखो स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं सब यूक्लिड वाले हैं, क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है? ये सब अब आपको नहीं करने हैं, फिफ्थ सिक्स सेवन, ठीक है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ। तो वैसे विदाउट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ निकाल के देख लेना, ठीक है? यूक्लिड यूज मत करना, वैसे ही तीन नंबर का एचसीएफ निकाल के देख लेना। Using Euclid division algorithm, find the largest number that will divide, leaving remainder this this. इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन टिक कर दिया है, तो वो कर लेना, ये मत करना। Prove that, ये क्रॉस कर लीजिए, ये क्वेश्चन 11th कर लेना और 12th कर लेना, ठीक है? 11th एंड 12th करना है इसका। इसके आगे देखते हैं क्या है। 13 क्वेश्चन की बात करें, टर्मिनेटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, 13 कर लेना, 14 छोड़ देना, ठीक है? अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कौन से करने हैं हमें, ठीक है? तो लॉन्ग आंसर में ये यूक्लिड बेस्ड है, क्रॉस कर दीजिए, ठीक है? क्रॉस कर दो, ये सब क्वेश्चन सब नहीं आएंगे। अब इसमें देखो फर्स्ट क्रॉस कर दो, सेकंड क्रॉस कर दो, थर्ड क्रॉस कर दो, फोर्थ क्रॉस कर दो, फिफ्थ क्रॉस कर दो, पांचों क्रॉस, ठीक है? पांचों क्रॉस कर दिए, बस इतना ही है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए। देखो है क्या ना, हमें थोड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनानी है, मतलब हमें पढ़ना वो है जो काम का है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितना जहां से मटेरियल मिलेगा, और मैं आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको मार्क्स बूस्टर दे दिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दे रहा हूँ, आप करिए ना, अभी और दूंगा, खत्म थोड़ी ना हो रहा है। आपको अच्छी प्रिपरेशन करवाने के लिए जो जो जरूरी हो सब कुछ मिलेगा, ठीक है? आपको मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं जो सिलेबस के अंदर है, समझ रहे हो? ये नहीं कि कुछ भी कर रहा हूँ, हाँ मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए, कौन से कर लिए, सारे कर लिए, मतलब नहीं बनता, ठीक है? आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना शुरू कर दो, जो जो टॉपिक्स मैं बताता जाऊं, मेरे साथ मैं डेली वीडियो बना रहा हूं ना आपकी, तो जो जो मैं डेली बताता जाऊं करते जाओ, बस सिंपल 100 में 100 फोड़ दोगे, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है? तो आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो यार, और फ्रेंड्स में फैलाओगे, मुझे लगता तो नहीं है। नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चे हैं, बहुत रिस्पॉन्स कमेंट करते हैं, मैं देखता हूं। और इस बार भी आपका कमेंट चाहिए कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल में टिक करवाना है, ठीक है? मैं पढ़ूंगा और आपको एक एक को रिप्लाई भी करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? और घर वालों का भी।